तो आज के सफर की शुरुआत होती है हमारे हरिद्वार के मनसा देवी के मंदिर से। जय हो माँ मनसा देवी। मैं हूं सीपी कोठियाल और आप देख रहे हैं वेलकम पहाड़। तो आज की यात्रा की शुरुआत की है हमने हरिद्वार से चंबा के लिए। चंबा जाने के लिए ऋषिकेश से आपको बस स्टैंड से बस लेनी होगी या फिर आपको टैक्सियां मिल जाती हैं। यह है नटराज का एरिया ऋषिकेश में, जहां से यहां के लिए बसें भी लगी रहती हैं और टैक्सियाँ भी लगी रहती हैं। यहाँ पर नीचे जो रूट जा रहा है राइट हैंड में, वो है बस स्टेशन के लिए, और यहाँ पर हम डायरेक्ट ऊपर की ओर चलेंगे जो कि ढालवाला मार्केट होते हुए हमें पहुँचाएगा चंबा वाले रूट पे। तो एक रूट है जो चंबा के लिए निकल रहा है। आज है दीपावली यानी कि छोटी दीपावली, तो लोगों की भीड़ भड़ाका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बहुत सारी दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। ये ढालवाला वाला एरिया जहाँ से हम ऊपर की ओर निकल पड़े हैं। यहाँ ढालवाला से ऊपर अब आपको कई प्रकार के विहंगम दृश्य देखने को मिलेंगे। प्रकृति का सुंदर सुंदर नज़ारा मनमोह लेगा। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो चुकी है और अब हमें लगातार ऊपर ही पहाड़ों की तरफ चढ़ना है। यहीं से आगे भद्रकाली चौक आता है, जहाँ पर भद्रकाली जी का मंदिर है और पुलिस स्टेशन भी है। जहाँ से एक रोड श्रीनगर के लिए निकलता है और दूसरा निकलता है टिहरी के लिए। तो हम जाएंगे लेफ्ट हैंड में टिहरी के लिए, अगर हमें जाना है चंबा। तो हम बढ़ चुके हैं चंबा के लिए, तो हम निकल गए हैं लेफ्ट। अब आपको इस रूट पर इसी तरह की हरियाली देखने के लिए मिलेगी। शहर की आवाधावी से दूर पहाड़ों का ये मंजर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुहावना लगता है। ये देखिए ऋषिकेश का शहर कितना अच्छा, और ऋषिकेश से काफ़ी ऊपर हम नरेंद्र नगर की तरफ आ चुके हैं। ये एरिया नरेंद्र नगर का आता है। नरेंद्र नगर यहाँ से काफ़ी हाइट पर है ऋषिकेश से, और नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर बसाया गया था। तो नरेंद्र शाह द्वारा जो बसाया गया नरेंद्र नगर है, यहाँ की मार्केट बताती है कि हाँ वास्तव में ये राजशाही तंत्र की देन है। राजशाही तंत्र में ही इस नगर को बसा दिया गया होगा। तो अभी कीजिए इस तरह के मार्केट के दर्शन, जो बिल्कुल राजशाही राजदरबार की तरह दिखाई देता है। और यहाँ पर नरेंद्र नगर में ये मार्केट राजशाही वाला दिखता है, सेम बिल्कुल तोड़ा नहीं गया है। नरेंद्र नगर की एक विशेषता और है कि यहाँ पर आनंदा प्लेस है, आनंदा फाइव स्टार होटल है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े VIP स्टार्स आते हैं। ये रहा नरेंद्र नगर और उसके आसपास का विहंगम दृश्य, अपने आप में सुहावना मनमोह लेने वाला। अब हम बढ़ चुके हैं नरेंद्र नगर से ऊपर काफ़ी आगे। तो यहाँ पर देहरादून भानियावाला के लिए एक शॉर्टकट जाता है लेफ्ट हैंड में, और हमें जाना है राइट हैंड की तरफ। तो हम निकल पड़े राइट हैंड की तरफ, और यहाँ पर आगे जाके BRO का ऑफिस होगा, और BRO के ऑफिस के बाद आगे ये पहाड़ियाँ ऊंची नीची, कभी ढलान तिरछा है तो कभी किसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई गाड़ियाँ अटखेलियाँ खेलती हुई पहाड़ों से। तो कभी कभार ऐसा लगता है कि अगर नीचे खाई की तरफ देखें तो हम नीचे ही गिरने वाले हों, लेकिन फिर भी यात्रीगण या कोई भी पैसेंजर जब इन मनमोहक दृश्यों को देखता है तो अपने डर को भूल जाता है और आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि ये विहंगम दृश्य किसका मन तो नहीं मोह लेंगे।
यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मिलता है माँ कुंजापुरी का सुंदर सा मार्केट। इसके राइट हैंड में है माता कुंजापुरी का प्यारा सा भव्य सा मंदिर, जो कुछ किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने पे हमें मिल जाता है। आगे बढ़ते हुए इन प्राकृतिक नज़ारों का लुफ्त अवश्य लीजिए। और आगे चलते चलते हम निकल पड़े हैं चंबा की तरफ, बहुत ही प्यारे से सुंदर से दृश्यों के साथ। यह है देवीधार का मार्केट, जो चंबा और ऋषिकेश रास्ते पे पड़ता है। देवीधार मार्केट की विशेषता है कि यहाँ पर पहाड़ी दोनों तरफ से नहीं है। कभी कभी क्या होता था कि यहाँ पे आपदा आ जाती थी, ये टूट जाता था और बसें इधर उधर फंस जाती थी। लेकिन काफ़ी समय से, जब से ऑल वेदर रोड बनी है, तब से ये यहाँ पर हुआ नहीं है। बहुत ही अच्छा विहंगम सा दृश्य दिखाई देता हुआ आगरा खाल का हम पहुंचने वाले हैं। आगरा खाल, आगरा खाल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर आपको लोकल क्रॉप सारी मिल जाएंगी, जैसे अदरक हो गया, पिंडालू जिसे अरबी कहते हैं, और बहुत सारी दालें आपको यहां पर मिल जाएंगी। यदि आप आते जाते हैं तो आगरा खाल से ज़रूर एक बार इन क्रॉप्स को लीजिए, क्योंकि पहाड़ी शुद्ध खाना और शुद्ध क्रॉप्स होती हैं, जिनमें कोई भी और किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं मिला होता है। आगरा खाल से आगे बढ़ते हैं, जहां पर आप इस तरह के झरनों का लुत्फ उठा सकते हैं। इस तरह के कई झरने आपको इस रास्ते में देखने को। इन प्राकृतिक सौंदर्यों से भरपूर यह घाटी अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। मन तो करता है कि इन घाटियों को छोड़ के कभी भी आगे ना बढ़ें, लेकिन करें क्या, वक्त के साये में तो जीना ज़रूरी है। वक्त जहाँ ले जाएगा वहाँ चलना ज़रूरी है। तो अभी हम बढ़ चुके हैं ऊपर की ओर, आने वाला है खाड़ी का मार्केट, जहाँ से जो है गज्जा के लिए, देवप्रयाग के लिए और दूसरे रूट से ऋषिकेश के लिए रूट जाता है राइट हैंड पे। और यहाँ पे जो हम चंबा के लिए जा रहे हैं, ये फिर हम सीधा निकल जाएंगे ऊपर की ओर। और ये है खाड़ी का मार्केट। पहले ये मार्केट दूसरी थी, ऑल वेदर रोड बनने के बाद मार्केट दूसरी हो चुकी है। ये जगह जहाँ पे आप खा पी सकते हैं सेलू पानी। सेलू पानी में आजकल पानी नहीं है, और ये झरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनमोह लेता था लोगों का। अभी हम चंबा की ओर बढ़ चुके, और शाम सामने दिख रहा है चंबा, बहुत ही प्यारा रमणीय कस्तर चंबा। चंबा से मेरी बहुत सारी यादें भी जुड़ी हुई है, लेकिन कभी किसी और टाइम आपको बता दिया जाएगा। चंबा में आज दीपावली के कारण बहुत ज़्यादा जाम है, तो हम चंबा मार्केट एक्सप्लोर नहीं कर पाए और ना ही दिखा पाए, क्योंकि आगे बिल्कुल ट्रक लग चुका था, तो उसके पीछे का हिस्सा ही दिख रहा था। तो ये है चंबा मार्केट जो आपको दिख रही है दूसरी तरफ से। चंबा का एरिया काफ़ी दूर से दिखा रहा हूँ। चंबा और उसके पास का जो एरिया है, अपने आप में बहुत ही प्यारा, सुंदर, मनमोह लेने वाला है। तो आज का जो सफर था, वो था हमारा हरिद्वार से चंबा तक का, जो कि आपने देखा होगा कि हम किस तरह से यहाँ आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। चंबा से कोटी कॉलोनी बढ़ते हुए यहाँ पर मिल जाता है बगासु महादेव के मंदिर को देखने का एक दर्शन मिल जाते हैं, जो कि बगासु इंटर कॉलेज के पास है। शायद नगर जधार वाला गांव है ये, उत्तरकाशी रोड पे। आगे चल के आपको मिलती है देखने के लिए टिहरी की सबसे बड़ी झील, टिहरी झील। उम्मीद है आपको आज का ये ट्रैवलिंग ब्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें मैंने खुद को एक्सप्लोर न करके यहाँ के ट्रैवल को एक्सप्लोर किया है इन्हीं झील के।